बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजीव गुप्ता ब्लॉग्स में। तो अभी मौजूद है हम जितवारपुर फील्ड में, जो समस्तीपुर का फेमस जगह एक है, और यहाँ पे है जो दशमी के दिन रावण दहन होता है। हम लोग आए हैं रावण दहन देखने, और आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, देखिए भीड़ कितना ज़्यादा है, आपको देखिए ही पता लग जाएगा यहाँ कितना ज़्यादा लोग लगभग यहाँ 1-2 लाख लोग हर एक साल, 2-3 लाख लोग यहाँ आते हैं देखने। फील्ड भी है बहुत बड़ा है, और देखिए इधर पूरा भीड़ दिख रहा होगा अभी, जबकि अभी स्टार्टिंग है, उतना आदमी लोग आए नहीं है, अभी और आएंगे। फिर भी देखिए, और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है इधर पूरा, और देख सकते हैं मतलब आदमी से ज़्यादा कुछ दुकान दिख रहा होगा, चाउमीन वगैरह पानी पूरी ये सब वगैरह बहुत है, और आदमी भी बहुत है यहाँ पे। लगभग अभी बज चुके हैं, कितना बज रहा होगा, 4 बज रहा है अभी, अभी 5:30 बजे यहाँ रहा, अभी 4 बज रहा है, और यहाँ सिर्फ 5:30 बजे रावण दहन होता है। तो सगाई जी यहाँ पर हर एक साल 3 रावण दहन होता है, एक है रावण और दूसरा मेघनाथ, सॉरी एक रावण है और दूसरा है जो है कुंभकर्ण है, और तीसरे के बारे में उनको पता नहीं, आगे चल के पता चलेगा, और थोड़ा भी कुछ लोग और हैं उनको भी जलाया जाता है यहाँ पे। तो चलिए आपको हम दिखाएंगे, अभी बस थोड़ा दूर और बचा हुआ है, देखिए ये रहा, और देखिए आप रावण दिख भी रहे होंगे, देखिए 3 है ना, और प्लस में और भी उन सबका है। तो चलिए आपको दिखाएंगे और आगे चलेंगे अभी, और दिखाएंगे हम आपको। तो भाई देखिए हम लोग रावण के पास आ चुके हैं, इसे आगे नहीं जा सकते हैं, कहा आगे VIP पोटालों वाले लोग के लिए है, हम लोग के लिए है नहीं। तो तब तक यहाँ पर यहीं से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाते हैं हम आपको, देखिए यहाँ पे जो है इतना भीड़ है कि हम लोग को एंगल नहीं मिल पा रहा है इस वीडियो बनाने का, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं अलग अलग एंगल से जाने का, देखिए। और देखिए इधर भी यहाँ से हम ट्राई करते हैं अभी, और देखते हैं, चले दिखाते हैं आपको इधर से, और देखिए एक बार पीछे भीड़ कितना लगा हुआ है पूरा साइड से पूरा, देखिए अभी इतना भीड़ लग चुका है, जबकि रावण जलने में टाइम है अभी लगभग 1 लाख के आसपास लोग आ चुके होंगे। रावण जरूर बन सकता है जो अपनी बहन के अस्तित्व के लिए ईश्वर से लड़ पड़े। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। और अभी हम लोग चलेंगे आगे, चलते हैं पहले आपको पीछे से भी दिखाते हैं हम आपको, चलिए पीछे पहले दिखाए, चलिए हम आपको रावण को पीछे से भी दिखा दे रहे हैं अभी हम लोग, देखिए अभी पीछे वाला साइड आ चुके हैं, इधर से हम घूम के आपको दिखाएंगे हम, चलिए चलते हैं अभी। सो आज देखिए तो हम लोग पीछे साइड अभी आए हुए हैं, और देखिए पीछे से कुछ ऐसा दिखता है तीनों रावण, दिखने में लग रहा है जो है नारियल बर्फी। यहाँ पूरे समस्तीपुर से लोग यहाँ समस्तीपुर के आसपास से भी देखने के लिए आते हैं, और समस्तीपुर सबसे बड़ा यहीं पे लगता है, और इससे ज़्यादा कहीं लगता है कहीं पूरे एरिया में, कहीं इधर पूरा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं लगता है। और देखिए इधर कितना है, सो आज देखिए अब जुलूस भी आ चुका है, दिखाते हैं आपको, देखिए इधर से आ रहा है जुलूस आ चुका है, आप देखिए यहाँ पे। तो भाई देखिए हनुमान जी अभी आ चुके हैं लंका में, अब रावण दहन करने के लिए, देखिए इधर देखिए एकदम, और जा भी रहे हैं वापस हनुमान जी, गुड्डू को हनुमान जी गाइस, देखिए जय श्री राम हनुमान जी। तो भाई देखिए चारों साइड कितना भीड़ लग चुका है, देखिए ये रहा, देखिए पूरा भीड़ लगभग 1-2 लाख आदमी आ चुके हैं गाइस, देखिए पूरा गाड़ी के ऊपर तक चल गया, और देखिए हनुमान जी है फायर मोड में आ चुके हैं, और देखिए वहाँ पे जला, देखिए वो जला दिए, देखिए वो जला दिए हनुमान जी, अब ये राज जो हनुमान जी है जो है अब वो जला चुके हैं, देखिए लंका भवन को जो है जला चुके हैं हनुमान जी अब, और देखिए वहाँ पे चल गए हैं हनुमान जी, देखिए तगड़ा जला गया, देखिए लंका भवन पूरा, आगे इतना भूत लोग भी आ चुके हैं गाइस, देखिए गाइस देखिए भूत आ चुका है गाइस, भूत को देखिए, देखिए इधर भूत लोग भी आ गए हैं यार, देखिए गाइस सबको देख रहे हैं गाइस, भूत अब पूरा घूमेगा अब, देखिए एकदम तगड़ा। तो गाइस देखिए राम जी और लक्ष्मण जी तरकस आ चुके हैं, राम जी और लक्ष्मण जी भी आ चुके हैं, देखिए गाइस
ये रहे राम जी और लक्ष्मण जी, देखिए इधर देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज देखिए और सभी लोग हैं, देखिए हनुमान जी, छोटा हनुमान जी, और ये सुहाई, देखिए रावण का चेला गिर गया नीचे, देखिए यहाँ पे था वो गिर गया नीचे, घाय देखिए, इसको दोबारा उठाया जा रहा है, देखिए गाइस, देखिए रावण को चेला का उठाया जा रहा है, देखिए गाइस रावण का चेला गिर गया गाइस, देखिए यहाँ पे भाई, देखिए रावण का दूसरा चेला चल रहा है गाइस, देखिए वहाँ पे डंडा में लगा के उसको आग लगाया जा रहा है, क्या है कि बुत गया था वो, लेकिन फिर से उसमें आग लगाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, और अभी जो है उसमें लग चुका है फिर से, देखते हैं आप, देखिए लगा ले, भाई देखिए ऊपर पहुँच चुका है यार, यहाँ देखिए आवाज करेगा, देखिए दावन का आँख नाक सब जल गया है, आज देखिए गाइस, हाँ देखिए रावण का मुंह फट गया गाइस, रावण का मुंह फट रहा है, देखिए फट गया गाइस, एक रावण जल चुका है, कुंभकर्ण की बारी है, उसके बाद मेघना चलाया जाएगा, देखिए अभी जो है रावण जल चुका है और कुंभकर्ण की वारी है, फिर उसको मैं उस बाद मेघनाथ को जलाया जाएगा, और दिखाते हैं अभी, चलिए फिर से देखिए कुंभकर्ण को जला दिया गया है, फिर से देखिए गाइस, और देखिए इधर कुंभकर्ण के मुंह फटने वाला है गाइस, अब देखिए इधर लकड़ी नच रहा है, देखिए देखिए गाइस बहुत तगड़ा वाला पटका है गाइस, स्काई शॉट सब लगा हुआ है इसमें, देखिए गाइस देखिए कुंभकर्ण का मुंह से देखिए आग निकल रहा है गाइस, देखिए गाइस अभी जो है मेघनाथ को जला दिया गया है, अब कुंभकर्ण को जलाया जाएगा, देखिए इधर अगर देखिए ड्रोन वगैरह को उड़ रहा है, देखिए इधर अब सिर्फ रावण और चाहे सिर्फ अब रावण को जलाया जाएगा, देखिए इधर दिखाते हैं हम आपको, हमारे साथ वीडियो में बन रही है आप लोग, तो गाइस अब देखिए रावण की जलाने की बारी आ गई है, देखिए जला रहा है, देखिए देखिए रावण को जला दिया जा रहा है, जलाया जा रहा है, अब रावण जलाया जा रहा है, देखिए वहां पे तो अंकल जो है वो सुतली है उसमें आग लगा रहा है, देखिए और देखिए लग गया आग रावण में, अब देखिए गाइस रावण को आग लगा दिया गाइस, रावण के देखिए मुंह में से धुआं निकल रहा है, देखिए आप दूसरा आ जाइए, ये क्या है बे, रुक गया बे, कैसे बस भाग ले की ले फुसफुसा गया क्या बे, फुसफुसा गया रावण, रावण में अब पावर नहीं रहा पहले वाला, दीपेंद्र क्या बोलना चाहता है बोलो, बोलो रावण में पावर नहीं रहा पहले वाला, फुसफुसा गया दे, दे। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो रहा भाई, ये हो सुभाष रावण जो है देखिए नहीं जल पाया, दूसरा बार अब जलाया जाएगा, देखिए फिर से देखिए इधर पहली बार आग लगाया नहीं जला, फिर दूसरा बार लगाया जाएगा, अब देखिए फिर से आओ, देखिए आप दूसरा बार लगा दिया गया है, और देखिए सर क्या होता है, फिर चलता है या फिर रुक जाता है, देखिए चल तो गया है, और देखिए
गाइस दोबारा और फंस हो गया गाइस, देखिए फिर से लगाया जा रहा है। बॉडी वॉडी बना के नहीं आएगा रावण में पहले। तो गाइस यही कलयुग का पहचान है, अब रावण भी एक बार में नहीं जल रहा है क्या दीपेंद्र, सही बोले कि नहीं? कलयुग आ गया है, अब रावण में भी पहले वाला शक्ति नहीं रहा, अब लग रहा है रावण को जलाना बंद करना पड़ेगा। एक बार में जलता नहीं है, तीन तीन बार जा रहा है फिर भी जला, चौथा बार फिर से लगा जा। देखिए फाइनल धर लिया पर मैं गाइस, देखिए बहुत देर बाद गाइस देखिए रावण का हाथ गिर गया एक। तो भाई देखिए रावण तो जल चुका है, आप देखिए सब लकड़ी लेने के लिए सब मार कर रहा है, दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे लोग सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, देखिए ये रहे, आना आना। तो देखिए भाई को देखिए रावण हाथ उठा के लेके जा रहा है। तो भाई देखिए यहाँ पे सब लोग मार कर रहे हैं, देखिए सभी लोग जो है मार कर रहे हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे जो है सभी लोग रावण की लकड़ी लूट लिए हैं, देखिए ये रहा। देखिए गाइस सबको भगाया जा रहा है, देखिए इधर सभी लोग को भगाया जा रहा है गाइस, देखिए यहाँ पे देखिए सभी लोग को फिर से भगाया जा रहा है, मार मार के भगा रहा है सब, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए गाइस अब जो है रावण जल चुका है और सभी लोग लकड़ी के लिए मार कर रहे हैं, और हम लोग की बाबा हम तो नहीं लिए भागवश आ गए। तो दीपेंद्र तो कैसा लगा तुमको बताओ, मजा आया? मजा नहीं आया, रावण एक बार में नहीं जरा, लेकिन चार बार में जरा गाइस रावण, और देखिए इधर आग को बुझाने की प्रक्रिया जारी रखी गई है, यहाँ पीछे फायर भी आ चुके, फायरमैन भी आ चुके हैं, देखिए दमकल, और हम लोग जो हैं अभी नहीं बाहर अंदर नहीं आए थे, फिर सभी आए हुए हैं ताकि देखिए अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, आगे हैं, और देखिए कितना भीड़ है जहाँ हम लोग खड़े थे, देखिए पूरा देखिए भाई, देखिए वहाँ पे रावण को लूटा जा रहा है, देख रहे हैं गाइस क्या कलयुग है, देख रहे हैं सब रावण को ही लूट रहा है सब, देख रहे हैं बच्चे बूढ़े सब लेके एकदम भाग रहे हैं उनका इसका लग रहा है। तो सो गाइस देखिए अभी कितना भीड़ अभी भी लगा हुआ है, रावण चल गया फिर भी फादर चल गया, और देखिए पूरा तो गाइस देखिए सभी लोग जो है रावण की लकड़ी तोड़ रहे हैं, और देखिए इसके लिए मार भी कर रहे हैं, देखिए गाइस सभी को यहाँ पे, और देखिए सभी लोग भाग रहे हैं, सब भगा रहे जा रहे हैं, देखिए सब रावण की लकड़ी तोड़ के भाग रहा है गाइस, देखिए इधर पूरा देख रहे हैं पूरा भगदड़ मच गया, रावण यहीं पे पूरा बना था, और देखिए ये हमारे भी जितने भी लोग हैं देखिए सब जो है रावण की लकड़ी लेकर भाग रहे हैं, और देखिए पूरा लूट रहे हैं रावण को, सभी सब देख सकते हैं गाइस अभी आप, और देखिए उधर भी पूरा उधर। तो गाइस आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो चलिए हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे किसी और न्यू टॉपिक के साथ, तो बाय बाय, टाटा तब के लिए।